में आपको व्रत के लिए बिना साबुदाना भिगोए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी साबुदाने के पकौड़े बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये पकौड़े सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। पकौड़े बनाने के लिए ये हमने 1 कप साबुदाना लिया है, 3 मीडियम साइज के बॉइल आलू। अब सबसे पहले हमने जो साबुदाना लिया था इसे मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। ये हमने साबुदाने को मिक्सी से महीन पीस लिया है, बस हमें इसी टाइप का पिसा हुआ साबुदाना चाहिए। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, जो हमने आलू लिए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम आलू को हाथ से महीन फोड़ लेते हैं, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमें इस तरीके से आलुओं को फोड़ना है। ये हमने तीनों आलुओं को महीन फोड़ लिया है। ये हमने 2 हरी मिर्च ली है, वो डाल देते। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च जिसे हमने पीस लिया है। हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसके अंदर ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून सेंधा नमक। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब जो हमने साबुदाना पीसा था उसमें से हम 1/2 साबुदाना इसके अंदर डाल देते हैं और 1/2 साबुदाने को हम बचा लेते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसके अंदर मुझे साबुदाना थोड़ा सा कम लग रहा है, अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून साबुदाना और डाल देती हूँ और साबुदाने को अच्छे से मिक्स कर लेते। साबुदाना अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी ये बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, पानी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे पतला नहीं करना है, हमें इसे गाढ़े ही रखना है जिससे कि पकौड़े आसानी से बन जाएं। अब ये पानी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ये पकौड़ों का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हम पकौड़े बनाएंगे तो इजिली पकौड़े बन जाएंगे, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। चलिए पकौड़ों को सेक लेते हैं। पकौड़ों को सेकने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, हमें पकौड़ों को सेकने के लिए तेज गरम ऑयल चाहिए। अब ये ऑयल गरम हो गया है, अब जो हमने पकौड़ों के लिए मिश्रण बनाया था इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। साइज आप अपने हिसाब से बना लें कि आपको कितने बड़े साइज के बनाने, उस हिसाब से आप बैटर लेते जाएं और डालते जाएं। हम छोटे छोटे पकौड़े बना रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बैटर ले रहे हैं। जितने पकौड़े कढ़ाई में आएंगे उतने हम डाल देंगे। अब हम पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। जैसे जैसे पकौड़े सिकते जाएंगे जहाँ कम होते जाएंगे, अब हम इनको सिकने देते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको पलटेंगे। ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाते हैं। आपको जल्दी में कुछ व्रत में बनाना है तो आप इनको बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे झाग कम होना शुरू हो गए, अब ये पकौड़े हल्के गोल्डन कलर के हो गए। अब हम इनको पलट देते हैं। अब हम इनको उलट पुलट के चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक सेक लेते हैं। अब ये पकौड़े सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के भी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब ये क्रिस्पी भी हो गए, अब मैं आपको सुना भी देती हूँ। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये पकौड़े इसी तरीके से कई घंटे तक क्रिस्पी बने रहते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया सिके हैं और कितना बढ़िया कलर आया है। इस तरीके से हम और भी सेक लेंगे। अब हम कढ़ाई में और डाल देते हैं। आपको शुरू में इसमें झाग ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन ये पकौड़े जैसे जैसे सिकते जाएंगे झाग कम होते जाएंगे। अब हम इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से सेक लेंगे जैसे हमने पहले सेके थे। ये हमने सभी पकौड़ों को बना के तैयार कर लिया है।
आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया साबुदाने आलू के पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। अब हम इन पकौड़ों को सर्व कर लेते हैं। आप सुन पा रहे हैं पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इन पकौड़ों को हरी व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। ये दही के साथ भी खाने में टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको हाथ में लेके भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बन के तैयार हुए। अब मैं आपको सुना भी देती हूँ। बने हैं ना कितने क्रिस्पी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट और अंदर तक कितने बढ़िया सिके हुए। आप इन्हें दही से भी खा सकते हैं। देखिए देखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।